नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन चिकित्सा विभाग के संयुक्त संचालक जो अपनी टीम के साथ में आज नीमच जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे, इस दौरान यहां पर जो पिछले दिनों रात्रि में जो शिशु वार्ड में बच्चों की तबीयत खराब हुई थी उसको लेकर दवाई का परीक्षण भी किया गया। मैं बता दें कि संयुक्त संचालक जो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरे मामले में संजय खरे जो है संयुक्त संचालक वो नीमच पहुंचे, दिन भर टीम ने जाँच करी, शाम होते होते मीडिया से बातचीत करी। बातचीत के दौरान बताया कि दवाई जो थी मानक स्तर की पाई गई, हालांकि पूरे मामले में जो मीडिया में सुर्खियां बन रही थी उसको लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में आज नीमच पहुंचे, नीमच का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवाई जो मानक स्तर की पाई गई, हालांकि बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी है इसको लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि आज टीम जो है साथ में उनके साथ विवेक मिश्रा जो अधिकारी वो भी साथ में थे, पूरी टीम के साथ पहुंचे। यहां पर दिन भर से जांच चल रही है, हालांकि बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी इसको लेकर गंभीर जांच की जा रही है। दवाई को जरूर मानक स्तर की बताया है, लेकिन पूरे मामले में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है। एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल प्रशासन से संयुक्त संचालक हूँ मैं। मध्य प्रदेश के समस्त अस्पतालों का नियमबद्ध तरीके से भ्रमण करता हूँ, वहाँ की गतिविधियों को सुधारने की प्रयास करता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैं रतलाम भी आया था, उसके पहले उज्जैन भी आया था। इसी श्रृंखला में मैंने अब की बार नीमच को चुना है। नीमच के बारे में कुछ अखबार में भी छपा था, उसके बारे में भी मैंने सोचा कि ये जगह देखना अच्छा होगा। अभी तक सिस्टम में ऐसा पाया गया है कि जो दवाइयां हैं वह मानक स्तर की हैं, और कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को जैसे एक थप्पड़ आपको मारेंगे तो आपको हो सकता है बहुत ज़ोर से लगे, मेरी चमड़ी मोटी है तो मेरे मैं नहीं हाथ में नहीं आए, तो ऐसा कुछ किसी लोगों को ड्रग रिएक्शन हो सकता है। और ऐसी स्थिति का तुरंत संभावतः उसका इलाज करके उसको बचा ले। और अभी तक जैसी मैंने जानकारी ली, किसी भी व्यक्ति बच्चे की या मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, और उसकी गहन चिकित्सा जो जांच की जाएगी, जैसी जानकारी निकलेगी उसके नियमानुसार हम कार्रवाई